ভাইওয়ার বেনো মাই চিফ সেক্রেটারি মিস্টার মলয় দে হোম সেক্রেটারি মাই এস এস এ সুরজিৎ পুরকায়স্ত এসপি অখিলেশ অমর বিনীত গোয়েল রাজীব কুমার মনোজ ভার্মা মাই কলিগ অরূপ বিশ্বাস ইন্দনীল সেন জিটিএ প্রধান বিনয় তামাং ভাইস চেয়ারম্যান অনিক থাপা রাজ্যসভার এমপি শান্তা ছেত্রী हमारा हॉल म्युनिसिपालिटी का चेयरमैन एम एल मिस्टर राय मिस्टर रोहित शर्मा सरिता हमारा म्युनिसिपालिटी का पूरा चेयरमैन मिस्टर राय मिल म्युनिसिपालिटी का चेयरमैन दार्जिलिंग प्रतिभा कालिम्पोंग काशिया एंड ऑल द बोर्ड चेयरमैन शेरपा भुटिया मांगूर खम्बूराय लिंबू सार्की दमाई कमी भुजेल नेवार गुरुंग खाश थमी पहाड़िया माइनॉरिटी तराई डुअर्स हमारा बोर्ड का पूरा चेयरमैन हमारा कल्चरल टीम एडमिनिस्ट्रेशन हमारा स्पोर्ट्स टीम तराइड्स तो का प्राइज विनर्स भाई और बहनों जो पार्टिसिपेट किया है हमारा दोस्तों आज मौसम थोड़ा खराब है बारिश भी आने वाला है लेकिन तब भी हम लोग को थोड़ा से मौका दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस उद्यापन करने के लिए हम लोग तो कंचनजंगा का हर तरह आभारी हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस पे हमारा श्रद्धांजलि हम पहाड़ वासियों का साथ पहाड़ में करते हैं इसी के लिए कि 1936 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर्शियांग में जो नेताजी म्यूजियम है और नेताजी म्यूजियम में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सात महीना तक उधर में अरेस्ट करके रखा था उधर से उन्होंने आज़ादी का मूवमेंट चलाया और हमारा 37 में भी फिर उन्होंने दार्जिलिंग आया और दार्जिलिंग से आज़ादी का मूवमेंट चलाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस जिसके लिए इतना प्यार था दार्जिलिंग पहाड़ हिंदुस्तान तो उसको लिए हम इधर में दिवस नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे तो इसी के लिए हम हर साल हम पांच साल हमारा सात साल में जब से हमारा गवर्नमेंट आई हुई है पांच साल हम पहाड़ में करते हैं और एक साल हम कलकत्ता में करते हैं कलकत्ता में भी हो रहा है उधर में हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अदर मिनिस्टर है हम इसी के लिए करते हैं कि आप लोगों को हमारा बच्चों लोगों को याद रहना चाहिए जो जय हिंद हम कहते हैं वो नारा कौन दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था हम जो वंदे मातरम कहते हैं वो कौन लिखा था बंगाल में रहने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा था हमारा जो नेशनल अंतिम है जनगण मनयोधीन आयो को जयो है कौन लिखा था रविन्द्र नाथ टेगर ने लिखा था सब बंगाल का सॉयल का आपका सबसे ज्यादा प्यार का मोहब्बत का श्रद्धांजलि का जो है हमारा बंगाल से आजादी का मूवमेंट पैदा हुआ था का मूवमेंट पैदा हुआ था और बंगाल जब भी हिंदुस्तान बंगाल नहीं रोशनी दिखाता है पहाड़ नहीं रोशनी दिखाता है हमारा भाई बहन नहीं रोशनी दिखाता है इसी के लिए हिंदी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ जो गोरखा रेजिमेंट हमारा था नेपाली जो हमारा जो गोरखा रेजिमेंट था उनको एक बहुत प्यार था उन्होंने पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था और वो इंडियन नेशनल आर्मी में हमारा पहाड़ का रहने वाला जो हमारा गोरखा है उन्होंने भाग लिया था इसी के लिए गोरखा का आइडेंटिटी टॉप से शुरू हुआ था और आपका आइडेंटिटी रहेगा जितना दिन आप लोग रहेगा कि आज़ादी का लड़ाई में आपका प्यार रिश्ता मोहब्बत थे अभी भी है फिर भी रहेंगे দেশকে ধরতি কে নেতাজি সুভাষ বোস শুধু জয় হিন্দ স্লোগান দিয়েছিলেন তাই নয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করেছিলেন প্ল্যানিং কমিশন তৈরি করেছিলেন নেতাজি চন্দ্র বোস কাহা থাকে দেখো হিন্দুস্তানা করিয়ে চে হিন্দু হো চাহ মুসলিম হো চাহ চাই ঈসাই হো চাই গুজরাটি হো চাহ পঞ্জাবী হো চাহ সিন্ধু হো जो भी हो एक साथ में रहना सबसे महत्वपूर्ण है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राइट हैंड कौन था शाह आज खान था इसी के लिए था कि ये लोग देश का लीडर है देश का लीडर कौन होता है तो देश को हर कम्युनिटी हर कास्ट हर क्रीड हर रिलीजियन को लेके चलते है। वो देश का लीडर होता है गांधी जी देश का लीडर बना इसी के लिए सबको लेके चलते थे बाबा साहेब अंबेडकर इसी के लिए कि सबको लेके चलते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कि सबको लेके चलते हैं हमारा भानु सिंह जी सबको लेके लिखते थे नेपाली कवि है किसको लिए नहीं लिखा जब कोई बड़ा इंसान इस धरती में पैदा होता है तो बड़ा बड़ा काम करते हैं सबको लेकर काम करते हैं और आज देश में आजादी का लड़ाई जब आज आजादी का दिन हम याद कर रहे हैं हम फिर भी आज वादा करेंगे कि हम तो भी कामयाबी हो सकते हैं जब तक हमारा देश का एकता जिंदा रहेगा देश का सारे जहां से अच्छा जिंदा रहेगा और आदमी एक साथ में एक इकट्ठा होकर काम करेंगे आज जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने चाहते हैं वो देश का लीडर कभी नहीं बांध सकता है वो तो खाली उनका लिए उनका लीडर बांध सकता है देश का लीडर नहीं बन सकता है हम इनको देश का लीडर नहीं मानते हैं जो देश को बंटवारा करते हैं, जो देश को भाग करते हैं जो एक आदमी का साथ और एक आदमी को लड़ा देता है हम देश को लीडर उन्हीं को मानता है जो सबको लेके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक देश हम लोग को प्यार का मोहब्बत का देश दिया है हम देश को लीडर उसको मानते हैं जो शहीद हुए है देश के लिए ये मेर वतन को लोगो जरा आंखों में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुए हिमालय खतरे में पड़े आजादी जब ताकती सास लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर पर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर कुर्बानी हम उसको देश को में नेता मानते हैं हम उसको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं जो देश के लिए खून दिया है कुर्बानी दिया है प्यार दिया है मोहब्बत दिया है आज भी हम इसको ही मानेंगे फिर भविष्यत में भी मानेंगे आज भी हमारा दुख है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तो हॉलीडे है लेकिन सेंट्रल लेवल से आज भी नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर नहीं किया है आज भी नेताजी को राष्ट्रद्रायक मानता नहीं है आज भी नेताजी को जन्म दिवस हमारा पता है लेकिन उसको कब अदो कोई देहांत हुआ कि नहीं हुआ क्या है कहा है किसी का पता नहीं है एक मिस्ट्री है बहुत दुख का बात है शर्म का बात है आजादी का इतना साल बाद भी हमारा पता नहीं है कहा है किधर है कैसा है क्या है कि नहीं है बहुत दुख का बात है लेकिन तब भी ये दिन हम लोग अच्छा से अच्छा मानते हैं ये दिन हमारा प्यार का दिन है मैं खुश है कि पहले इधर में एक इंडस्ट्री शामिट हुआ था माल में मिस्टर राय को हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था दार्जिलिंग का एमएलए को जी आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान दार्जिलिंग के लिए बनाइए उन्होंने तैयार कर दिया आई विल रिक्वेस्ट हिम टू हैंड ओवर इट टू माई चीफ सेक्रेटरी सो दैट यू कैन गो फॉर डिटेल स्टडी मैंने चाहते हैं दार्जिलिंग हमारा हिल का पॉइंट्स बना रहे है एक नंबर हिल बना रहे आप लोग चाहते थे पहाड़ी भवन बनाने के लिए मैं सिलीगुड़ी में बना रहा है कि आपका इधर का स्टूडेंट जाते हैं आपका इधर का मैं पहले आके यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करके दिया है दार्जिलिंग में एक यूनिवर्सिटी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगा था कितना दिन हो गया है देगा नहीं बड़ा बड़ा बात करेगा चुनाव आएगा तो हम एक कर देगा वो कर देगा वोट दे दो उसका बस भाग जाएगा हम ऐसा नहीं करते हैं हम जब देखा नहीं दिया तो हमारा स्टेट्स का ओर से हमने दे दिया हम लोग जो भी करना है दार्जिलिंग को हम करेंगे हम फिर जब जीटीए का चुनाव आएगा लोकसभा का चुनाव का बाद हम दार्जिलिंग का जो अकॉर्ड है जो एग्रीमेंट है हम उसको फिर रिव्यू करेंगे आप देखने चाहते हैं कि और भी बढ़िया कुछ हो सकता है तो अच्छा से हम काम करने के लिए दार्जिलिंग का डेवलपमेंट के लिए कालिम्पोंग के लिए करसियांग के लिए इलेवेन कम्युनिटी धर्म है जो ट्राइबल स्टेटस के लिए लेटर दिया था हम स्टेट गवर्नमेंट से हमने तो लेटर दे दिया बहुत दिन पहले लेकिन आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किया है नेक्स्ट गवर्नमेंट जाने के बाद हम लोग इसको कर देंगे अगर इसको आइन कानून का मुताबिक है तो इतना दिन क्यों लगते हैं एक काम करने से एक भी काम नहीं होता इसको दे हमारा घर का भाई बहन को मैं आश्वासन देने चाहती हूं आपको आइडेंटिटी रक्षा करने के लिए आपको पहाड़ को मजबूत करने के लिए आपको भाई बहन को अच्छा रखने के लिए हमारा दिल से जो भी करना है हम कर देंगे इसी के लिए कि हम चाहते हैं दार्जिलिंग का डेवलपमेंट एक परमानेंट सोल्यूशन का टाइम पे चला जाए ये हम जरूर चाहते हैं और दार्जिलिंग में कितना कॉटेज हो रहा है कितना यूनिवर्सिटी नया हो रहा है डेढ़ हजार करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो लोग भी वादा किया है हमारा सिक्सटीन बोर्ड मैंने बना दिया छः सौ पचास करोड़ रुपया इसको दे दिया हम काम करने के लिए चाहे घर हो चाहे झोड़ा हो चाहे कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर हो चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो फिर बाद में देखेंगे अभी हमारा पास मौका नहीं है बाद में अब हमारा इतना नहीं है जीटीए भी है उसको भी हमको काम चलाने पड़ेगा वो जैसे अच्छा काम चला सकते हैं म्यूनिसिपालिटी को मैं रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि हमारा जो रोड है चौरास्ता में लाल के लालकुटी का सामने में एक गांधी रोड है मैं आज देखा अलीपुर जू का सामने जो रोड है ये दोनों रोड अच्छा से बना देने के लिए ये दोनों रोड का कंडीशन ठीक नहीं है पीने का पानी वो प्लान कर रहे हैं ये प्लानिंग हम देखेंगे हम चाहते हैं आप शांति से काम लो तो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिड टर्म में क्या हो सकता है इसको हम जरूर देखेंगे हमारा जो नौजवान है हमारा स्टूडेंट है दार्जिलिंग को स्टूडेंट्स आर दे आर वेरी स्मार्ट आई ऑलवेज आई टू लव देम दे आर वेरी गुड रियली दे आर वेरी गुड स्पोर्ट्स में भी अच्छा करते हैं कितना अच्छा किया आपने देखा हमारा पुलिस का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से तराइड फेस्टिवल हम लोगों ने शुरू किया गोल्ड कप हम लोगों ने शुरू किया सब बंद होके बंद हो गया था अभी देखिए कितना कितना बच्चा लोग कितना कितना खेला कितना अच्छा किया है इसका पहले पुलिस एक राइजिंग स्टार का प्रोग्राम भी किया था उसमें भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है तो मैं बहुत सारे आज कॉटेज का अनाउंस किया है बहुत सारे चीज़ का बात डीएम ने पहले कर दिया उद्घाटन हम कर दिया जो आज बहुत सारे प्रोग्राम इधर में हम लोगों ने किया है हम इसको करते जाएंगे हमारा बच्चा लोगों को थोड़ा डांस प्रोग्राम है अभी बारिश आ रहा है मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने चाहूंगी इसी के लिए बच्चा लोगों को परफॉर्मेंस अभी दो मिनट में रेडी कर दीजिए बारिश हो रहा है और बारिश हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद नमस्कार हम तो आते हैं हम आते रहेंगे हम बोलेंगे लेकिन फिर कहिए जय हिंद आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है बोलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम, मातरम, मातरम. बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार, काशी दिले, कमरे मो, समागम दिया आप लोगों ने सब अच्छा रहे, नमस्ते, नमस्कार।